हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौशल मम्मीज किचन। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का नौवां दिन, यानी कि नौमी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, तो नौमी या अष्टमी को ना इस तरह का चना का प्रसाद खिलाया जाता है कन्या को। तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पर एक बाउल में रख लिया था एक बड़ा कटोरी से एक कटोरी चना। तो चना को मैंने 2 घंटे पहले रखी थी भिंगोने के लिए। तो 2 घंटे के बाद ना ये फूल चुकी है चने अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पर लिया है 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च। तो बस टमाटर को साइड से हटा देंगे और इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो बस अभी रफली हम लोग इसको चॉप करेंगे। तो बस इस तरह से 4 भागों में मैंने टमाटर को कट कर लिया था और बस हरी मिर्च को भी इसी तरह से 2 भागों में कट कर लिया था। तो इसका हम लोग एक स्मूथ सा प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी प्यूरी अच्छी तरह से बन करके हो चुकी है, यानी कि टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस चलिए सब्जी यानी कि चना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डाल दिया है कुकर गैस के ऊपर, गैस को ऑन कर दिया था। और यहाँ पर डाल देंगे कुकर में तेल। तो तेल जब गर्म हो जाएगी तब हम लोग डाल देंगे यहाँ पर साबुत जीरा। तो बस थोड़ा सा डाल दिया साबुत जीरा और इसके बाद हम लोग डाल देंगे पिसा हुआ अपना टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस इसको हम लोग इस तरह से चला लेंगे और यहाँ पर बस डालेंगे बेसिक से मसाला। तो ये सूखा मसाला होता है ना, जो हम लोग नॉर्मल रोज ही खाते सब्जी में डाल करके, वही। तो बस यहाँ पर डाल दिया 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और बस थोड़ा सा डाल देंगे धनिया का पाउडर और यहीं पर डाल देंगे थोड़े से जीरा का पाउडर भी। बस धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद इस तरह से चला लेंगे। और बाद में मैंने डाला था हल्दी का पाउडर। तो बस इन सभी को मिक्स करने के बाद हम लोग डाल देंगे अब हल्दी का पाउडर। तो बहुत लोग हल्दी का पाउडर नहीं डालते, मैंने थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, बस थोड़ा सा डाला था। अगर आप लोग नहीं डालते हो तो स्किप भी कर सकते हो, ये काली चना ऐसी रहती है, बिना हल्दी का भी बनता है। तो बस सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे बस थोड़े से पानी और बस पानी डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग पकाएंगे। तो बस हम लोग ना अभी मसाले को 30% तक ऐसे ही पका लेंगे बिना कुकर का ढक्कन लगाए ही। तो बस 30% तक ये कुक हो चुकी थी, आप लोगों को ऐसे पता चल रहा होगा। तो अब हम लोग डाल देंगे चना। तो बस भिंगोया हुआ चना इसमें डाल देंगे। तो बस चना डालने के बाद ना मैं 1 कप डाली थी पानी, तो वो आप लोगों को मैं नहीं दिखाई थी, बट मैंने 1 कप पानी यहाँ पर डाला था। तो बस इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 कप मैंने डाल दिया था पानी। तो बस अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। तो मसाले के बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कर देंगे अपने कुकर के ढक्कन को बंद। तो बस कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद ना 3 से 4 सीटी आने तक हम लोग इसको पकाएंगे। तो 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 सीटी आ चुकी थी, तो बस अच्छी तरह से कुकर का सीटी निकल चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोग ढक्कन को खोल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चना पक चुकी है। तो बस अब हम लोग सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में इसको सर्व कर लिया है। तो ये देखिए, आप लोग रेसिपी अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोग चैनल पर नए आते हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।